हजूर महाराज बाबा श्याम सिंह महाराज की याद में हम सब भाई और बहने बैठे हैं। सबसे पहली बात कि जब भी उनकी याद बने तो ठंडी हवाएं आती है वहीं पर, तो ठंडे झोंके आ रहे हैं क्योंकि सावन ये बाहर का यही कायदा होता है। सावन आया हे सखी कंते चित करे हो, भाई सावन की बाहर आ गई है, अब अपने पति की तरफ उसका ध्यान रहो। चूर मरे दुहागुनी जिन्ना और ही लगाने, वो रो रूपी स्त्री जिनका प्रभु के सराग कहीं और चित लग रहा है वो झूठ झूठ कर मर जाएंगे। ये समय ऐसा आया है कि अब उस प्रभु से मिलने का समय है। वो आए अपना जलवा दिखा रहे महापुरुष आते हैं खास मिशन पर और मिशन को पूरा करके वापस चले जाते। एक दफा रात का समय था, सर्दियों के दिन थे, 9-10 बज चुके थे, मैं और डॉक्टर जॉनसन उनके पास बैठे थे, रात का समय और कोई नहीं था। तो डॉक्टर जॉनसन ने सवाल किया, महाराज शिव को प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? फरमाने लगे कि सिख का जीवन ही प्रार्थना, जो कमजोर और निर्बल है उसके पास आचार्य और क्या है। निर्बल इंसान हमेशा समर्थ पुरुष के सामने पुकार करता, कुटोषित का जीवन ही प्रार्थना। और प्रार्थना क्या करे, इंसान के 3 पहलू हैं, ये जिस रखता ये बुद्धि रखता मन, ये खुद आत्मा है उसी प्रभु की अंश है, ये माइक्रो गॉड्स है। हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, रूह हमारे रब्बी है, इसमें वही गुण मौजूद है छोटे स्केल पर जो उसमें है। अरे आत्मा ही ने उस प्रभु को पाना। वो आए थे थोड़े दिन जलवा दिला कर लारी नजरों से उजल हो गए, ठीक, मगर वो कहीं गए थे नहीं। गुरु पावर कभी मरती नहीं, वो गॉड पावर है, उसको क्राइस्ट पावर कहते हैं, समझे, वो कभी मरती नहीं, जन्म मरने नहीं आती। मुख्तलिफ इंसानों के पहलुओं पर अपना इजहार करके दुनिया को सीधा रास्ता दिखला जाते, कुछ अपनी झलक दे जाते हैं, नहीं तो माओ करना दुनिया को प्रूव की होने का यकीन ही कैसे आते। जैसे पहलवान को देखकर ताकत का एहसास होने लगता है, इसी तरह ऐसा ह्यूमन पोल जिस पर वो मैनिफेस्ट हो उसको देखकर हमें यकीन आता है कोई परमात्मा है, जरूर है। वो आए मेरे याद करने का मतलब वो सत्य थे, आत्मा सत्य है, इसमें क्या शक है, प्रभु की अंश है, वो परमात्मा अजर और अमर है और हमारी आत्मा भी अजर और अमर, उसमें बड़ी भारी ताकत। एक बार कहने से कौन फिर कौन हो पर हो गया, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊ, एक कवाओ तिस्त लक्ष दरियाओ, वो वाइब्रेशन में जोश में आई, लहर में आई, वाइब्रेशन हुई, उसने करोड़ों ब्रह्मांड बना दी। हमारी आत्मा उसी की अंश, हम सब शेर के बच्चे हुए, हम निर्मल और कमजोर नहीं है। फिर मन ये के घाट पर लग कर हम कमजोर निर्बल हो, जैसी सब वैसा रंग। तो मैं कर रहा था वो सत्य थे, सत का स्वरूप थे,
लोगों को सत्संगी बनाने आए थे। वो परमात्मा वो छत्तीस में नहीं है। सबो कट मेरे साइया सुनी सही नको बलिहारी तिस घट के जहां कट प्रगट हो। उसको जीव आ रहा है इस शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं। और हम जिसे नौ सुराख होती है भाग नहीं करते, आंखों के कानों के नाक के मुंह के धोनी के सांस बाहर जाता है बाजा नहीं सकता है। कोई ताकत उसको पुश बैक कर रही है, कंट्रोलिंग पावर। वो कंट्रोलिंग पावर जब इसके साथ है ये शरीर चल रहा, हम इसके साथ हैं, जब वो हटिया में शरीर छोड़ना पड़ता है, वो बड़ी भारी ताकत उसी की हम अंश हैं। तो जिसकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर अपने आप को जान गई और सबका स्वरूप हो गई, ये बिकम माउथ पीस ऑफ गॉड, वो कौन है? इज गॉड इन हिम। हम सब माइक्रो गॉड से हैं, मगर मन इंद्र के घात फैलाव के कारण निर्बल और कमजोर हो रहे हैं। अगर हम इधर से हटे अपन जीवन आधार की तरफ मुंह करें, हम उसको स्वरूप वो आए थे। इसलिए लोगों को सत्संगी बनाने के लिए, समझे? आप कहोगे वो सब हम सब के अंतर है तो हमें अब खींचता क्यों नहीं? अच्छा सवाल है, हर कोई किसी का हक है वो सवाल करे। मिकना तीस पत्थर हो, लोहा हो पास पड़े हुआ और तो मिट्टी चढ़ी पड़ी हो, मिकना तीस खींचता नहीं। मिट्टी हटा दो आधे मील पर हो तो भी खींच। हम जिसम का मिट्टी चढ़े पड़े कुछ पर इंदो के बहु अरोसों के, अगर इसे आजाद हो तो वो तो एक ही विकास माउथ पीस ऑफ गॉड। तो मैं ये अर्थ कर रहा था वो सत्य थे, सत्य का स्वरूप थे, हम सबको सत्य का स्वरूप बनाने आए थे। दैट इज ग्रेटेस्ट, बड़ा भारी काम जिसके लिए वो आए थे। ये चीजें छोटी मोटी ये है, इसके पास क्या कमी हो गई? चार पदार्थ जे को मांगे सात जनों की सेवा ला दी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके पास हर एक चीज है, जो मांगो दे। कुरान शरीफ में आता है खुदा ने कहा जो बंदा मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। महापुरुषों की मानी में आता है पिता के पाल आ गया कि नहीं बालक मुख मांगे सुने, जो बच्चा मांगे। हम क्या मांगते? जो चीज मांगते मिलती, मगर सच का वो कुछ ऐसी चीज देना है बिन गुर और न दाता बिया। वो एक ऐसी चीज देता है जो कोई और दुनिया में नहीं दे सकता। वो मैंने याद किया, वो सत्य का स्वरूप है। सदगुरु कहती सत, सदगुरु सत्स्वरूप है। सत्य के साथ हमें जोड़ने आए थे, सत्संगी बनाने आए थे। और कुछ क्या कहना चाहिए? दूध हो उसको थोड़ी लाग दे दी जाए तो सारा दही जम जाता है नहीं? वो आकर कुछ पूंजी देते, लाग देते, ताकि हमारी आत्मा उसका स्वरूप। तो सत्संगी बनाने आए थे। अभी वो ताकत कहीं गई नहीं भाई। मैंने एक टॉक दी थी अमेरिका में क्रिसमस डे के दिन 25 दिसंबर, क्राइस्ट लिव्ड बिफोर जीसस, क्राइस्ट वो परमात्मा की ताकत थी जो ह्यूमन पोल पर इजहार हुई, उसको जीसस कहते थे। वही ताकत मुख्तलिफ महात्माओं के पोल पर इजहार करती रही, उसको किसी ने गुरु नानक कहा, किसी ने बाबा जयमल सिंह कहा, किसी ने बाबा साहब सिंह कहा। इसलिए कहते हैं कि जन्म मरण वो नहीं। तो वो आए थे, मैंने आपको अर्थ कर रहा हूं, हमें सत्य संगी बनाने के लिए। सत्य तो आगे था हमें, वो हजूर फरमाया करते थे गुरु बाहर से कुछ नहीं देता, सिर्फ इशारा करता, इशारा ही नहीं करता, डिमॉन्स्ट्रेट करता। कैसे हम मनीनों के घाट से लैदा को थोड़ा कॉन्टेक्ट दे सकते? दैट इज ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो एक महात्मा दे सकता, जो ये दे सकता उसका नाम साधु संत महात्मा संत की सलाह। मैं ये कह रहा था कि वो सत्संगी बनाने आए थे, सत्य हमारे अंतर आ गई था,
हमारा मुंह मन इंद्र के घाट पर बैठा राम जाने के कारण हम जिस जगत का रूप बन रहे हैं उनमें ये सत्या थी, समर्था थी, कॉम्पिटेंस थे। एक तवज्जो है खाली सुध बाहर से हटे इंदु का घाट छोटे थे सब गुरु बलवान साथ आगे अंदर मौजूद था उसका अनुभव कर लेक्चर कथा ज्ञान बाहर मुक्ति साधन कोई भाई बचा सकता थोड़ी ट्रेनिंग के बाद। ये बात जो है ये किसी समर्थ पुरुष की कहानी वो क्या थे क्या नहीं थे वली रावली में इतना समझे खुदा उनमें था वो खुदा में थे अरे भाई दो में एक थी या दो थी ये वो जाने थे कुछ अपने जलवा दिखा गए लोगों को तरह तरह से दिखा गए। कई आपने वाक्या सुने अभी हमारे भाइयों ने सुनाई कोई नई बात नहीं एवरीडे एक्सपीरियंसेस है जो अब भी हो रहे हैं वो गॉड पावर कर रही है वो कहीं गई नहीं वो आपके अंतर है तुम्हारी सवाल कर रही है। लाहौर का वाक्य है मैडम ब्लेवॉर्सकी लाहौर में गई वो लेक्चर दे रही थी बात कर रही थी कोई प्रोफेसर बैठे थे टेबल पर तो बात ऐसी की जो ज़्यादा अकल नहीं मानती थी तो एक प्रोफेसर ने कहा मैडम व्हाट ऑल यू स्पीक इज अ मियर रिगमरोल ये सब अफसाना है क्या तुम कह रहे हो It is as impossible as clouds can rain down from the roof. ऐसे ही नामुमकिन है जैसे छत से फूलों की बारिश गिरे और मेज भर जाए तो मैंने उनका वार्सिन किया प्रोफेसर do you think it is impossible? कहने लगे क्या प्रोफेसर ये नामुमकिन है जो तुम कह रहे हो तो इतने में क्या हुआ कि वाकई छत से फूलों की बारिश हुई और मेज भर गए हैरान ये क्या हो गया तो कहने लगी वेल प्रोफेसर दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर विच आर हिडन एज येट विद विच यू आर नॉट कन्वर्सिंग तो नई बात नहीं। मैंने जब मैं पढ़ा करता था एक ऐसा पुरुष आया एक लड़के पर उसको खाली असर डाला बच्चा था दूसरी तीसरी जमात के था उसको कहा जिस जमान में सवाल करो उससे जवाब ले लो किसी ने फ्रेंच में सवाल किया तो फिर फ्रेंच में जवाब दिया किसी ने जर्मन में दिया जर्मन में जवाब दिया किसी ने लैटिन में सुखा लैटिन में जवाब दिया तो जब ये बच्चे अब भी हो रहे तो जब हरिकृष्ण जी की गुरु हुए हैं ना वो छोटे थे 8-9 साल के वह गुरु पद कुछ और होता है भाई। एक पंडित जी आया कहने लगे अरे भाई तुमने अपना नाम हरि और कृष्ण दोनों रख लिया है बच्चे हो कल के साथ में तुम हरि कृष्ण हो तो मेरे साथ शास्त्र करो संस्कृत में। उन्होंने आप तो न किया एक जा रहा था पानी भरने वाला कह रहे भाई इधर आओ आया ये बातें नहीं मालूम होती बजार नॉट कोई मार्वल कोई मौजा नहीं ये ऐसे कानूनों के मुताबिक हैं जिनको पोशीदा है हमें मालूम तो महापुरुष के कुछ कहना कुछ हैरानी की बात नहीं दीज आर फैक्ट्स हमेशा होते रहते तो मैं ये कह रहा इन चीज़ों पर ना जाओ उन्होंने ये कर दिया उन्होंने ये किया कर सकते हैं सबरे ने नहीं किया था एक मुर्दे को कहा उठ खड़ा हो खुदा के नाम पर फलाने के नाम पर नहीं उठा कर कुंभ बिजनी मेरे नाम पर जाओ जो उसका उसका अनुभव है ही कंडिया मगर रूम साहब क्या कहते कि वली आला को ये ताकत है कि आसमान से चले हुए तीर को रास्ते से वापस कर तो सवाल करते हैं क्या वो खुदा के बराबरी करते हैं कहते नहीं वो उसके प्यारे पुत्र होते जो बच्चा प्यारा पुत्र कर दे उनको परवाह वो करते नहीं अगर कहीं हो जाए तो क्या बात है मुर्दों का जिंदा करना आप भी हो रहे माफ कर तो तुम इस पर हैरान नहीं हो गुरु पावर कुछ और होती है वो इंसानी पोल नहीं उस पर इजहार करती है तो मैं इस वक्त आपके सामने से ऐसी चीज रखने लगा हूँ कि वो सत्संगी बनाने आए उसके लिए उन्होंने क्या किया हमको कुछ दिया लाग दी उसको बढ़ाओ तो इसलिए याद रखो कि जिस दिन नाम मिले उस दिन हम सत्संगी नहीं बन जाते टाइम फैक्टर इज नेसेसरी समथिंग टू स्टार्ट विद शुरू करने के लिए आपको चीज दी जाती
where the world philosophies end, their religion starts. जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं वहाँ परमार्थ की एबीसी शुरू, सब योग की फिलासफी जहाँ से खत्म होती है सब खत्म, वो छह चक्रों तक है। तो इसलिए उसको जब मिल जाए तो उसको अपने जीवन बनाना चाहिए। एक चीज दीजिए साथ लगने को तो उसके साथ लगो, मोड योर लाइफ, जो प्रिंसिपल साहब को सत्संग में मन करके वचन करके और कर्म करके सिखाए गए उनको अमल में लाओ। मन वच और कर्म तीन चीजों को, मन करके भी जो रह नहीं रहता कोई ख्याल ऐसा नहीं करता, वचन करके जिसका जबान से कोई गुनाह नहीं होता, कई किस्म के गुनाह एक मन करके होते हैं, एक जबान करके होते हैं, एक एक्शन में होते, इससे कोई भी नहीं करता। तो ऐसे पुरुष का क्या है, याद रहो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। रानी जो है ना तो सच बोलना शुरू कर दो, लोगों पर सच का असर पड़ेगा। और थॉट्स आर इवन मोर पोटेंट देन वर्ड्स, एक्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ख्याल, हम ख्याल है, माफ करना, परमात्मा महाख्याल है, महान सुरत है, हम उसकी आंखें भी ख्याल है, सुरत है, महान सुत में इतनी भारी ताकत है करोड़ों ब्रह्मांड बना सकती है। तो हम भाई एक आदमी नहीं बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। हमेशा महापुरुष समझाते हैं कि तुम शेर के बजे और माइक्रोगार भूल में जा रहे हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहेब मैं किसका क्या, वो मेरा साहेब है, मैं उसका दास हूँ दास। तुम्हें याद कर रहा था कि हमेशा सत्संगी को अपना रोजाना ऐसा कांडक्ट बनाना चाहिए, कैसा, जो ये बताए कि वो किसके पास जाने वाला, माफ कर अपनी कांडक्ट वो चीज रिवील करें जो ये बताए कि किसके पास जाने वाला। अभी आपने ताश में सुना है कि मुसलमानों के जमाने में एक सिख जाकर कचहरी में कह देता था ये आशा कर ये झूठ ही बोल, हजूर के वक्त शुरू शुरू में यही था कि ये ब्यास हजूर के पास ये झूठ नहीं बोल, कचहरी में लोग एक्सेप्ट करते। तो ये मैं याद कर रहा हूँ जो जीवन है कि नहीं उसको साबित करो बाय योर लाइफ, तुम किस महापुरुष के नाम में हो। अगर हम ये नहीं करते तो नतीजा क्या है, मंदा कुत्ता खसम नू गा। तुम किसी महापुरुष के पास जाते हो उसके जो तारीफ में उसको ग्रहण नहीं करते, अरे भाई तुम उसको बदनाम कर रहे हो, होश में आओ। क्राइस्ट ने कहा, आपको पता है क्या कहा था, यू लव वन अनदर, तुम आपस में प्यार करो आपस में, ताकि सो दैट पीपल मे नो यू आर कम टू मी, ताकि दुनिया के लोग जाने तुम मेरे पास आ, ताकि लोग जाने तुम सत्संग में जाने वाले। अपनी शान को गवाओ, जिसके पास है उसी की शर्म रख लो, माफ करो। हमको जरूर फख्र है उन महापुरुषों के नाम लेवा होने का, ये ठीक है, क्या उनको भी हमारा फख्र है, बात तो यही, उनको किसका फख्र होगा, जो कि तालीम पर चलता है, जो प्रैक्टिकली, चेला किसको कहते हैं, जिसके जिस पर गुरु के चीले कपड़े फिट बैठे, उसका नाम चेला। जो मन मानी करके एक्शंस करके उसकी तालीम आपकी प्रैक्टिकली लिव करता ही है सिख, सिख मैंने जो शिक्षक को धारण करे उसका नाम सिख। तो महापुरुष हमेशा यही कहते हैं, याद रखो एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस मोर देन टन्स ऑफ थ्योरी, हजारों थ्योरी दिमाग में भर लो, उसे क्या असर है, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस ये थोड़ा भी करनी जो है ना उसका असर हजारों मन क्यूरियस से जाता, दिमाग भर गया तो हुआ क्या, जो जानता है जो कुछ जानता है उसको लिव नहीं करता तो उसकी क्या गति है, सोच लो। जैसे एक लंदन आदमी हो बहुत कुछ थ्यूरी दिमाग में भरी पड़ी हो, शादी साहब क्या मिसाल देते,
बरोक ताबे चंद, वो आह्वान है, आह्वान जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें लगी पड़ी। अगर यही गवाह को सारे वाक्यात भर लेने का नाम ही महात्मा अपना है तो लाइब्रेरी भरी पड़ी, लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक। गुरु अमरदास जी साहब से पूछा गया कि जो लोग ऐसे हैं वो उनकी गति क्या है, तो फरमाने लगे क्या जैसे हलवे में कड़ची छोटी सी शाम फिरती रहे हलवे से और हलवे के लज्जत को नहीं पाती, ऐसी जो हर वक्त बुद्धि के लेवल पर चूरिए समझते समझाते ये वो करते उनकी वही की। हम लोगों को सुनाते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं किस लिए, माफ करना, एक या सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकले पीछे याद भी नहीं तो क्या कहा। कई बार हम सुनते हैं याद कर लो कुछ वाक्या ताकि लोगों को सुना सके हम भी मानते। असल सुनना क्या है, जो बचन गुरु पूरे के हो सो मैं ठीक गठ भी बता। कैसे बांधो, आपको पता है पांडव थे पांच, द्रोणाचार्य उनको पढ़ाना चाहा, पहले दिन एक सबक दिया सत्यम सत बोलो, अच्छा भाई आज का सबक हो गया जा याद करा। दूसरे दिन क्यों भाई सब याद हो गया, एक कहने हमारा मैं मुझे तो सीख याद हो गया था, क्या सच बोलो ये भी कोई याद करने की बात, ये तो सीख याद। और भाई युधिष्ठिर कहाँ है, कहते महाराज वो तो आया नहीं, क्यों नहीं आया, कहते मैं सब याद कर रहा हूँ। अरे जो बंदा है सच बोलो ये याद नहीं हो सको, दूसरा दिन गुजर गया, क्यों भाई युधिष्ठिर कहाँ है, क्या महाराज वो कहते मैं सब याद करके हूँ। ये वाली बात तो भाई आपको तो याद हो गया होगा कि नहीं, सच बोला याद है ना, सच बोलो क्या इसमें दो अक्षर है। कई दिन गुजर गए उसके बाद जब आया क्या महाराज सत वचन सत बोलो ये याद हो गया, कहते जी हाँ आप हो गया, कहते मैं प्रण करता हूँ सारी उम्र में सत बोलू और पांचों पांडव में से युधिष्ठिर वादी सत्यवादी, उसको एक झूठ बुलाया गया माफ कर तारीख में सत्यवाहु लिहाज से हाफ हाफ ट्रुथ हाफ ट्रुथ। तो मैं यह कह रहा था भाई इसका नाम है पल्ले बांध, अगर बांधो एक सत्संग से आपकी कल्याण, इरादे हैं तो मंदिर के मगर चलना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं, यही हमारे लोग बड़े जबरदस्त थे अपने क्षमता पर इतबार है। अरे भाई मैं तो समझते हो ये बगैर गति नहीं, उनकी एक नजर पड़ी उसका भी बेड़ा पार, ये भी आप भी उन्हीं की कृपा। अरे भाइयों जो फरमाते थे जो जीते जी पंडित था वो मर कर भी पंडित, क्योंकि फरमाते थे नहीं और जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित बड़ो थोड़ा बन जाए। अरे ये भारत जिसके नाम पर है भारत भरत, वो क्या था, एक राजा था तपस्वी था, जंगल में चला गया घर बार छोड़ा, वहां हिरनी का बच्चा हिरनी मर गई उसको पाला, दिन रात वह हिरकी की फिक्र में लग गया, हिरन का बच्चा एक दिन गायब हो गया ना मिला, उसी में मर गया, उसको हिरन जल भरत कहते। अरे भाई एक ख्याल जहां हो जाए वहां जाना पड़ेगा, कहां जाओगे अंदाजा लगाओ, हर एक इंसान जान सकता है कि मैं कहां जा रहा हूं, अरे आंखें खोल कर देखो होश करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब भी क्या, डायरेक्शन का क्या मतलब, मैंने बड़ी सोच समझ कर रखी, मैंने जीवन में रखी, तुम महात्मा बन सकते हो, अरे वाल्मीकि डाकू महर्षि बन सकता, अरे के वक्त अगर डाकू उधम सिंह वगैरह महात्मा बन सकते हैं, माफ करना जो अरु के पास जाते थे दरिया में होते देते खबरदार मत जाओ, माफ करना, तो जब वो खड़े हो जाते कपड़ा ऊपर तीन तीन घंटे तारीफ करते थे। अब भी डाकू के सरदार भी आपके नाम दे रहे धन करो और नाम में बरकत है भाई। तो मैं याद कर रहा था
ये खाली जान लेना, बहुत दिमाग में भर लेना, किस्सा कहानी करना ना, गाना बजाना करना ना, हिके लगा कर सुना देना, इससे कल्याण नहीं होगी। वेरी डेफिनेट बात, मैं नहीं कह रहा, कभी सच कह रहा। साखी शब्द सतय संदेश सुन मत भूलो भाई, संत मता कुछ और है, खोजा तुम पाए। संतों की चेतावनी, रावण था, चार वेदों का होता, छह शास्त्रों का, दस सिर बनाते थे, आखिर क्या किया उसने, और हम क्या कर रहे? एक्टिंग पोजिंग से काम नहीं होगा, प्रोपेगेंडा से काम नहीं होगा, दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, प्रभु को धोखा नहीं। गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता भाई, हमारे हर एक एक्शन को देखता, जिधर फर्दर रुचि जा रही उसको भी जानता। वडी वडी आई मुझे सब पाओ, फिर उसे क्या छुपा सकते? लोग पति ने कछु ना होए ना ही राम जाना, लोग के पति आने से क्या बनेगा? वो राम को ज्ञान बच्चा है जिसको तुम धोखा दे लो। तो सबसे पहले बड़ी छोटी छोटी मिसालें देकर समझाया करते थे। जुलेखा यूसुफ गए, उन्हें कुछ ख्वाहिश अपनी दुनियादारी जाहिर की, तो वो अपने बुत पर पर्दा डालने लगी। कहे क्यों भाई, चलिए हमारे कर्म को देखेगा। क्यों, मेरा खुदा तो हर वक्त देखो, 5 साल के बच्चे के सामने हमारे जो कोई पाप हम नहीं करते। अरे भाई तुम कैसे करते? जब वो नाम देता है साथ हो बैठता, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक ये सतपुरुष की गोद में न पहुंचा, और आगे सतपुरुष तुमको अलग खुद अगमन पहुंचा। गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माहे, हर वक्त हारे हमारे हर कैक्शन को देखा, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। कहे कबीर इस दास को 3 लोग डर, इन दंड डायमंड क्या कहेंगे इसको कुछ। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि भाई उसके पाने के लिए आप आने के लिए आए हो ना, सत्संगी बनने के लिए हजूर के चरण में आए थे, वो हजूर कहीं गए नहीं, आपके अंतर है, आपकी आत्मा को आधार दे रहे हैं। उसके पाने के लिए एक चीज चाहिए, एक प्योर हार्ट, एक ऐसा हृदय जो पित्र है। क्यों, अगर तुम किसी बादशाह को ये उम्मीद कर सकते हो आपके फिल्की कैबिन में आ जाए, तो जिसको हम बड़ा नीच हृदय भी समझते हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो एक ऐसा हृदय जिसमें काम क्रोध ईशा बैश निंदा चोरी दूसरों का बुरा भरा पड़ा और श्लोक कर रहा, वहां हृदय में कैसे प्रभु मैनिफेस्ट होगा? यही तो मिट्टी है, जिसम जिसमानी तो उसके रसों कसों की जो गलाद चढ़ी पड़ी है, इसलिए वो परमात्मा में खेच नहीं। क्या कोई खेचने वाला खेचे भाव करना दया कर दे? ये उसकी एक बड़ी भारी बढ़ाई है किसी महापुरुष की। एक मिसाल आपको दूं, एक गधा है उस पर बोझ लदा पड़ा और कीचड़ में फंस रहा, वो कैसे निकले? वह अगर किसी को रहम आ जाए उसकी हालत पर, आकर उसके बोझ को हल्का करे, फिर खींच कर निकाले। ये मिसाल है हमारी, हमारे सिर पर जन्मों जन्मों के संस्कार भरे लदे पड़े, और आगे इंद्रियों के कीचड़ में और फंस रहे। अब कोई ऐसा पुरुष हो जो हमारे बोझ को पहले हल्का करे और फिर जो घाट से खेच के ऊपर लाए, तो फिर हम देखने वाले बने। तो किसी महापुरुष की कितनी भारी ग्रेटनेस है, मैं आपको बोलता हूँ कि जन्मों जन्मों के संस्कार जो लदे पड़े हमारे पर, रूप पर गिलाफ चढ़े पड़े जिनके, और हर रोज इंद्रियों के घाट पर नए कीचड़ में फंस रहे हैं, हम कैसे निकल सकते? ये उसकी ग्रेटनेस है, तवज्जो से इसका बोझ जरा हल्का करें। खाली सुख को बाहर से हटाए, उनको किस घाट से ऊपर लाए, देखने वाला बना दो, डिमॉन्स्ट्रेशन दे दो, कितनी भारी रियायत है। तो महापुरुष
इसे क्या करते हैं, क्या से कभी हुई न करो, तो वो एक मेरे हृदय में आए। हमारे दो फरमाते थे, अरे भाई वो सफा करके ले जाए, जो भाई दो मेरे भाई बैठे हो, सफा सफा करके, मैंने कपड़े कोई संदूकों में नहीं डालता, मैं ले जाएगा सफा करके ले, अपनी कॉम्पिटिशन। हम अपने आप अपनी मैल कैसे धो सकते हैं, तो मिसाल दिया करते थे, कितना मैला कपड़ा हो धोबी को दो, वो कभी ना नहीं करता, क्यों, वो जानता मेरा रोज दिन का काम है, मैं एक मटीरियल धो दे दूंगा। तो कभी महापुरुष तो अनक्लीननेस क्या है हमारी, हिंदू के बोध है, भोग रहा था आत्मा तो सोना है कि नहीं, जैसे सोने की खान से सोना निकलता है, उसे मिट्टी भरी होती मिली होती, और वह है सोना, तो उसकी मिट्टी निकाल दो तो सोना है कि नहीं, सोने की डलिया गंदगी में रह जाए तो भी सोना है, वो गंदगी को हटाना है, महापुरुष को हटाना कैसे, शुद्ध बारी फैले को हटा खेच के रूप लाना भी उसका काम है, खेचे सुर गुरु बलवान। तो मैं कह रहा था वो सत्संगी बनाने आए, कितनों ने उससे फायदा उठाया, तो उसके लिए फिर वो क्या कहते हैं, ये जो शरीर तुम लिए फिरते हो, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, एक शरीर हरि मंदिर है जिसमें उसकी ज्योति जगमगा रही है, और तुम क्या कर रही है, और तुम क्या कर रहे, इसको पॉल्यूट कर गंदे कर, किससे कभी सोचा है आपने, हम किस तरह से इसमें गंदगी फैलाते हैं, आहार से, पहले व्यवहार से, जिस जरिए से आएगी ना कमाई वैसी असर पड़ेगी, इसलिए कहते व्यवहार शुद्ध हो, दस नवे निकट पंजाबी में कहते हैं लाइवलीहुड अर्न बाई ए सेट ऑफ ब्रो डायरे तार लुकमा बाद हलाल, हलाल की रोजी पहली बार, फिर आहार शुद्ध हो, हम क्या करते हैं इसको मांस से अंडों से शराबों के नशों से इसको गंदा कर रहे हैं, झूठ से फ्रेब से दूसरों का बुरा भला चितवन ये वो स्कीमें बना देते, अरे भाई उसका शरीर ही गंदा होगा, अहंकार से मैं पने से मेरा जैसा कौन, ऊपर से निमित्ता करेगा ओह मेरे जैसा कौन, तो ऐसा ऐसा पुरुष कैसे उसको पा सकता जिसके हृदय में दूसरों का बुरा चितवन, पहले खाने पीने का लिहाज, जैसा हम तैसा मन, जिसके हाथों से वैसी रोजी आए, जिसके हाथों से जैसी रोजी आए उसका भी असर पड़ता, पकाने वाले का भी असर पड़ता, खाना जो पकाता है उसका भी असर पड़ता। पुराने जमाने में आपको पता है क्या करते थे, जो खाना माताएं पकाती थी ना, चौकों में किसी को दाखिल नहीं होने थे, पाठ या योग करते हुए पकाती थी बस, आजकल सारा हिसाब ही नौकरों के हवाले है, वो किसान कहानी करते रहे जो मर्जी करे, जैसा तैसा। मेरा अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, आपको 1921 की बात है, मैं अकाउंट साहब चंदनगर 36 में गया था, वहां पर उन्होंने फायरिंग लाइन थी, मुझे एक ऑर्डर दिया, रोटी पकाया करे अच्छा खाया, मैंने उसकी एक अधार की कि भाई जितनी देर तुम बावर्ची खाने में हो उतनी देर किसी को यहाँ नहीं बैठे दो, कोई ना आए, और तुम सिवाय पाठ की और कुछ नहीं करो, एक दो दिन तुम मान गया, वो मेरा रात का कैसा 12-1 बजे कर रहा था ख्याल कुछ बिगड़े, मैंने बुलाया 1 बजे उसको रात को, क्यों भाई आज तुम्हारे किचन में कौन था, तो महाराज कुछ नहीं था, अरे झूठ क्यों बोलते, देखो ना जहाँ पर मन दो मन दस मन हो वहाँ शेर बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जहाँ तोले माछियों पर हो तो वहां तो भाई रत्ती का भी है और पड़ेगा नहीं, तो हम इसे जिसम को पॉल्यूट कर देते हैं, व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, ये पहला कदम। महापुरुष क्या कहते हैं, यही कहते हैं जून डायरी चोर खाई जाती हो, इसका यही मतलब है कि मैंने CID तो भेजी नहीं माफ कर, सिर्फ ये कि हमारी कमजोरी हमें मालूम हम क्या करते, अहिंसा परमो धर्म बात जबान से चालाकी से दिल में और ऊपर आओ, उसका नतीजा क्या है, इसको धोखा देते अंदर बैठा, वो कैसे हमें मुंह करेगा हमारी तरफ, उसको देखते ही जो गुनाह करे, आप कहना उसके क्या असर,
तो इसलिए जब तक दिल साफ न हो काम नहीं बनता है और न बन सकेगा, इसलिए क्या करना होगा, हमें पाक और पित्त से न बनाना हो। ब्लेसिड आर द प्योर इन हार्ट और दे शैल सी गॉड, जिनके हृदय पित्त है वो मुबारक है, केवल ऐसे हृदय प्रभु को देखने वाले बन सकेंगे। तो प्योर हार्ट जरूरी है उसके पाने के लिए, क्योंकि याद रखो धर्म सारे दो किस्म के, देखो ना सत कहो धर्म कहो, वेदों शास्त्रों महापुरुषों के आने से पहले भी था। याद रखो धर्म तो उसकी व्याख्या वेदों शास्त्रों में ग्रंथों पोथियों में महापुरुषों ने की दो वे से, एक वे ऑफ लिविंग और दूसरा धर्म किसको कहते हैं, जो धार रही शक्ति सारे सृष्टि को, जिसके आधार पर सृष्टि चल रही है उसको पर। तो दो तरह के पहलू थे आके महापुरुष ने हमें एक्सप्लेन किया बात क्या है हम कर क्या रहे। तो पहला इज वे ऑफ लिविंग, सत बोलना सत धारण करना भी धर्म है, वे ऑफ लिविंग में है। उसे जिन्नी फेरियस है, झूठ फ्रेब दगाबाजी रियाकारी कपट चोरी, किसी का खून न छोड़ना, किसी का हक मारना, चेस्टिटी इज लाइफ, ये भी धर्म है। मन करके वचन करके कर्म करके शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ में, जो दुख में सुख में गरीबी में हर हाल में हमारा साथ दे और दोनों मिलकर प्रभु को पाए और सबके अंतर प्रभु की अंश है, सबके अंतर वो जीवन आधार बैठा। तो सबके लिए प्यार हो, परमात्मा से प्यार करो, वो सब में सबसे प्यार करो, ये भी धर्म। अगर प्यार है तो फिर निष्काम सेवा करो, ये भी धर्म है। मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। ये तो प्रिया मिलन दी सिख ताही ना ठाई के धर्म, दिस इज वे ऑफ लिविंग। सत्संगी बनने के लिए, सत्संगी बनने के लिए इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, मौलाना रूम साहब ने बड़ी लंबा लैटिट्यूड देकर आखिर क्या बताया है, मैं करो शराब पी लो, बड़ा भारी गुनाह है, जो जिसको उसी ठिकाने ना रहे। कहते बड़ा भारी गुनाह, कैसे बढ़कर और गुनाह, आगे कहते मुसो प्राण को आग लगा दो, सब धर्मों को बेनो शास्त्रों को आग लगा दो, बड़ा भारी पाप पर नहीं कुछ और इससे ज्यादा। और वो क्या है, आतिश दर्द का बधन, खुदा के घर में आग लगाना, सब जला देंगे, पर करो क्या, हर के खाही कुन बोले मर्द मारा, खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना, खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना, खलक दुखे नंद लाल जी खालक को पिता, यह जीव की पितरता। इसमें दो बड़ी भारी चीजें हमको गिराने वाली, याद रखो एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी दो, विमेन इन गोल्ड रन और रन, एक जड़ माया एक चेतन माया, दोनों गिराने की जबरदस्त। डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, हर एक आदमी समझता है कि बात क्या है, हमारे रूप के जीवन की तरफ थोड़ी नजर मार कर देखो, प्रैक्टिकल जीवन क्या था। 25 वर्ष तक पहले उनकी शादी हुई, मगर वो मुकलावे गई वापस नहीं, वही मर गई। दूसरी शादी 25 वर्ष के बाद हुई, तो 25 वर्ष का पूर्ण बन गया। उसके बाद वो आप फरमाया करते थे कि 6 महीने मेरे संग मेरे साथ थे सारी लाइफ में, अंदाजा लगाओ हम शायद 6 महीने अलादा भी कभी नहीं थे। देखने वाली है महापुरुष हम क्या जीवन क्या अपने जीवन वो दर्शा कर गए उसको देख। जब जाते हैं बाबा जयमन सिंह जी महाराज के पास, तनखा उनके हवाले करते हैं, वो उसके घर में खत को भेज देते हैं, वो कहते हैं घर से फिर जाओ तब जाना निकल जाए। हलवा खोदना रुए बाहर हलवा खाने के लिए उन्हें चाहिए, वो फरमाया करते कई दफा उन पर लोगों ने सवाल किया, महाराज आपके बच्चे हैं जो कहावे हैं, चले फिर आप गुरु, चले कि जब ये काम लिया जाता है तो उस वक्त ग्रस्त खत्म,
और सारे महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया समझे कि हमें क्या करना चाहिए। जब ये काम शुरू होता है तो उस वक्त गृहस्थ आश्रम नहीं रहता, अगर गृहस्थ आश्रम है तो वो संत पुनः कहां जाएंगे। तो आखिर क्या सबक देते थे, ब्रह्मचर्य की रक्षा, ब्रह्मचर्य बड़ी भारी बरकत है उनके जीवन में। जो आपको पता है 9 साल के थे, पैरों की तरह गए थे, आज वो लाउड स्पीकर बन गए, नाले के पार आवाज जाती थी, रौनक चेहरे की क्या थी। तो मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी रक्षा। खाली मैं एक आइटम रहूंगा, क्योंकि जीवन में तो कई चीजें हैं जो आज बड़ी भारी जरूरत हम लोगों को है, जिसके ना होने से हमारे फ्यूचर खराब हो रहा है और मौजूदा भी खराब हो चुका, वो ब्रह्मचर्य की रक्षा का ना होना। उनके जीवन में दो चीजें थी, पहली एक हमेशा हंसु खुश, किसी देखो ना मिसाल आती है ना कि अगर हंजल तुमको मिले, अगर हंजल खुरी किससे, हंजल कहते हैं तुम्बे को, अगर वो आपको मिल जाए दृष्ट खुश हो, जो खुश हो खुशादा चेहरा हो, आओ भाई जो भाई जिन्होंने उनके दर्शन किया और जानते दूर से, जैसे पिता या माता अपने बच्चे को देखकर खुश होती है, ऐसे शायद माता पिता इतना प्यार नहीं करते जिन लोगों को, सैकड़ों माताएं मिलाकर सैकड़ों पिता मिलाकर वो प्यार नहीं करते, वो खाली देखने से जीवन मिलते। अगर खुशबू के हाथ से जहर भी मिल जाए, बेअशीरी दृश्य तुरश रो खुश मिला हमेशा, हाँ भाई ये बड़ी भाई एक शिफ्ट थी। तो मेरे भाई यहां बैठे हैं इस बात की गुआई देंगे, और जब तक और खन्ना रूप वन बेअज गंज बखी खुशी से मिलो, अब सब दूर दुख हो जाते। ये एक चीज है जो उसकी उनकी जीवन से हमने सीख ली। तो जैसे बादल की घटा हो ना, बिजली जा चमके कितनी खूबसूरत मालूम होती, बैठे हुए जरा आंख फेरी यक नगाए जाऊं खुदाए बस बस दरकार किससे आगे आई जाती विंडो द शो, आंखें जो है खिड़की है जिसे रुझान। स्वामी जी महाराज ने कहा ये आंखें हैं धुर घर की, देखो प्रभु देख रहा हूं। जब हम लोग मत्था देखते थे नीचे वाले, नीचे क्या पड़ा मैं तो ऊपर हुए, तो आई जाती विंडो दी एक्सप्रेशन की जगह, रूह के हिजार की जगह। तो ये एक चीज आपको पता है, उन्होंने फरमाया एक दफा उनका लड़का गुजर गया, आप फरमाया करते थे रस्ते में गुजर गया, ब्यास नहीं पहुंचे, रस्ते कुएं पर रखा, तो कहने मैंने अपने दिल पर नजर मार कर देगी कोई कोई अंतर में कोई गम है, कहने माँ 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 होता है ना माँ, उस शादी के बराबर भी नहीं था, तेरी अमानत है जाओ ले जाओ खाना पीना हो रहा। ये यानी बाहरी जीवन से जो हमने ये सिख किताबों में आता है, महापुरुषों के जीवन में आता है, कोई नई बातें नहीं। ये तो इस सारे का दूसरी जो खूबसूरती वो क्या थी, वो ब्रह्मचर्य की रक्षा। तो इसे 10 इंद्रियों का 10 इंद्रिय जो राखे बास ताकि आत्मा है प्रकाश बड़े साफ लोग, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय हुए जो बस में रखता है, बाहर के असर नहीं लेता है। अब ये खिड़कियां ऐसी जो बाहर खुली पड़ी है, बाहर के संस्कार रहती है, बाहर से नाले जबत हो, इनकी ताकत कहां से लेती है कभी सोचा है आपने, हम से ताकत और हम ही पर सवार हैं। जब हमारी छोटी अटेंशन किसी इंद्री के साथ ना हो, इनकी काम नहीं करते। न्यूटन था एक रोड साइड पर बैठा हुआ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहा था, एक बैंड बजता हुआ पास से गुजरा, किसी ने आकर पूछा क्यों भाई यहां से बैंड गुजरा, कहता मुझे पसंद। सारी उसकी अटेंशन या छोट में लगी थी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, कान के साथ हो तो सुने
थोड़ा बहुत तजुर्बा तो आपको भी होगा, कई बार आप ख्याल में बैठे हो, कोई आवाज देता है आपको, एक बार दो बार, अरे भाई तू नहीं सुने, कहते मेरा ध्यान कहीं हो गया, अरे हमारी सुन कहां के, तब ये काम करे। तो ये बड़ी भारी चीज है। तो पहले ये ब्यूटी आती कब है, मैं आपको करूं मीठी जबान, जिसके अंतर खुश रुई, किसके अंतर है, जिसके अंतर आत्मा में आनंद होगा भाई, जो आत्मा दुनिया के बखेड़े में झुलसा पड़ा है, वहां से खुश रुई कहां से आएगी, माफ कर, जबान मीठी कहां से आएगी, मीठी जबान के लिए आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट एंड माइंड स्पीक, जो अंतर बस ही हर तब वही बाहर निकलेगी ना, बनावटी तमाशे भी तो संसार को कांता नहीं, जब हंसते थे ना माफ करना, ये बातें पीछे से भी हंसी निकलती, जिन्होंने नसीहत को असली को देखा है वो उन दिनों को याद करते हैं, रेडिएशन होती है महापुरुष सारे एटमॉस्फेयर, वो हंसे क्या है उनके जो है ना कंधे, ये भी हंसते थे, बात है ना आत्मा का रंग है ना, बात तो यही आउट ऑफ दी अबंडेंस, एक ख्याल किसी के बाहर में ख्याल हो, पाकिस्तान से लोग आते थे, कई मर जाते थे, कई उनके सब कुछ छोड़ आते थे, लोग बड़ा यत्न करते थे उनको समझाने के लिए, कौन मानता उनके पास जाना, कोई फिक्र ना करो, दिल पर मरम लग जाते, गवाह है ना आप भाई यहां बैठे हुए इस बात के, क्यों मैं नई बात नहीं कह रहा, तो ये सी खुश रही उनकी भाई, कांदा क्या धन फेड़िया, कोयल क्या धन दे, मीठी बोली कोयल की, बैरी भी मित्र, कोई आदमी भी उनके पास जाता था, अकाली भाई मुखालफत करते थे, पर यहां भाई कोई धन, एक दिन कहने के भाइयों आपको खाने की तकलीफ, लंगर गुरु का त्याग, यहीं से खा लिया करो, यहीं से खा लिया करो, सारा इंतजाम जो आप करते हो, तकलीफ होती है, करो, बड़ी मीठी जबान, तो मीठी जबान में कितने पैसे लगते हैं, काइंड वर्ड्स डोंट कॉस्ट एनीथिंग, मैं कौन बोल सकता जितने तो कुरत, मिठत निवी नानका गुण चिंग तत्, मीठी जबान निम्रता भरी सब गुणों का, इतनी भारी समृद्धता रखते हुए भी कहते क्या कहते थे माफ करना, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, पर जो वचन वो होना, क्या कहते हैं किए खा के मिली हद को, तुम्हें क्या जाने आप क्या हो, अभी ना हो समझ में क्या जाने, तो निम्रता का अंत है, मैं याद करता हूँ निम्रता संतों का सच्चा श्रृंगार है, तो ये एक बड़ा सबक है, दुनिया में सुखी रहने के दो ही गुण है, काफर साहब कहते हैं आसाइश है दो गेटी, क्या है भाई पता है, तो फिर ही दो हल करो, सिर्फ दो क्या करो, बा दुश्मन मुदाना बा दोस्त तलत तो बा दुश्मन मुदाना, दोस्तों से और उसकी उसकी बख्शिशें बढ़ाओ उसको, और दिल जोई करो दुश्मन, बुरा नहीं सीखो दुश्मन का भी बुरा नहीं सीखो, एक बार मुझे हजूर ने चिट्ठी लिखी थी, वो अब तक मेरे पास गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्या हम संतों की जायदाद बे आराम भी, वो तो लिखा था सैराब वाला दिल जागीर में, सैराब मिला जागीर में, कहने सत्संग में कई किस्म के लोग आ जाते हैं, कोई तो बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं, कई सिर्फ नुक्ता चीनी ही के लिए आ जाते हैं, तो आगे लेते हैं, अगर बद आदमी अपनी बदी से बाहर नहीं आता तो नेक को अपनी नेकी से क्यों बाहर आने से, दिस हैज बीन द शीट एंकर इन माय लाइफ सो फार, दिल में किसी का बुरा, मैं यही याद कर रहा था ना, वर्ड्स से एक्शन स्पीक मोर पोटेंटली, और एक्शन से ख्यालात बड़े भारी असर रखते हैं, जिसका मन वचन कर करके किसी का बुरा नहीं, गदा गरीबी गदा हमारी सगल रहन सहनी, जिसके आगे कोई न टिके बेकारी, बुरा नहीं था, ये जीवन था, सत्संगी बनने के लिए माफ कर रहा हूँ, अभी सत्संगी बने नहीं, बनने की थोड़ी पूंजी जाए, अरे बनना तो ये कैफियत हो जाएगी हमारी, सबको देखकर खुशी होगी आपको, अब तो बनावट करनी पड़ती है ना आप लोगों को, तो बड़े प्यार से, तो वो क्या कहते थे याद रखो, ब्रह्मचर्य, परमात्मा है क्या, परमात्मा रस है, रस और रस जीवन शक्ति है,
और इसका ये वाइट फ्लूड है जिसको बीज कहते हो, जितना जिस्म में ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा जिस्म सही, दिल सही, दिमाग सही, फेफड़े सही, सब कुछ सही, एक बंचर की रक्षा रखने वाला पुरुष हजारों में अकेला खड़ा रहता है। फिर साबत और फिर आत्मरस हो फिर तो जिसका ये चीज ठीक नहीं उसने और क्या करना होगा। बात तो सिर्फ यहां तक शास्त्रों में कहा है, साफ कहते हैं मरण बिंदु पाते, बिंदु का पात करना मौत के बराबर है, और जीवन बिंदु, जीवन बिंदु धारण, बिंदु को धारण करना जरूरी है। गुरु नानक साहब ने कहा जिन बिंदु खोई तिन सब कुछ खोया, बड़ा नमक चला। प्राण सिंह जी पढ़िए, कमाल किया वहां पर। तो आप ये कहेंगे फिर दुनिया कैसे चलेगी, ये आ सकता है ना सवाल। तो भाई शास्त्र मुजादा के मुताबिक जीवन बनाओ, जब बनाओगे क्या कहती है शादी करने का, फिर मैं याद करूं यही है, एक जीवन साथी को साथ लेना है जो दुख में सुख में गरीबी में हर हाल में हमारा साथ दे जीवन यात्रा में, और दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक पद बाल बच्चों को पाए एक सबने, उसके लिए हिदायत है जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तक ताल्लुक हो, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे समझे तब तक कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि पैदा होकर दूध पीते रहे तब तक भी कोई ताल्लुक नहीं। दो ढाई साल एक बच्चे को ला जाते, एक दो बाल बच्चे हो भी जाए तो एक नारी सदा, ऐसे एक दो बाल बच्चे हो जाए तो क्या, आगे जमाने में क्या कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए। ये बड़ी चीज कीमती है, खाने से चाइल बनता है, चाइल से खून बनता है, खून से मांस चर्बी फिर हड्डी फिर नींद फिर ये चीज, मतलब बड़ी कीमती चीज है। तो इसके लिए हमेशा महापुरुष हदायत करते हैं कि जीवन की पवित्रता निहायत जरूरी है, जब तक ये नहीं तब तक काम नहीं बने। स्त्री और पुरुष का माफ करना, आप कान खोल कर सुनो, हमारे हजूर के जीवन में यही एक ड्यूटी थी, किसी तरह हमने तवज्जो नहीं दी। माता लड़कों के पास है कभी कभी आया करती थी, 14 तारीख बतलाती है नहीं, तो आखिर क्या कहते हैं सारे महापुरुष ये कहते रहे, यू लव योर वाइफ एज क्राइस्ट लव्ड चर्च, क्राइस्ट कहते अपने वो जीवन साथी है भाई, यही स्वामी रामचंद्र ने कहा यू लव द लॉर्ड, तुम आप ऐसा जीवन आपस में करो, सो लॉन्ग द वाइफ्स एंड हस्बैंड्स इन इंडिया डू नॉट लर्न टू लीड अ लाइफ ऑफ चैस्टिटी, देयर इज नो होप फॉर यू। क्राइस्ट कहता है क्या, व्हेन यू सिट फॉर प्रेयर्स you love the Lord, love the Lord as if you had never any, had never had any wife. ये कितना highest ideal है, हमने क्या बना रखा। हमारे से माफ करना हैवानों का संयम है, हम हैवानों से भी दूर जाए, उनका भी अगर हो ना कुछ गाय भैंस देने को नजदीक नहीं जाएगी, और मर्दों का क्या है, हम इंसान कैसे कहराने के हकदार, सत्संग कैसे बनते। तो एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, तो ब्रह्मचर्य की रक्षा का मतलब भाई सारे महापुरुष ने इस बात पर जोर दिया, सत वचन आधीनता परक्रिया मात समान, तीन चीजें कही, सत वचन निम्रता और परक्रिया मात समान, कहते ताही स्वयं हर ना मिले तो तुलसीदास जवान मैं जा मानू, हजरत मोहम्मद साहब ने बड़े साफ लफ्जों में, बड़े दो लफ्जों में कहा, अगर तुम दो उजवों को, एक जो तुम्हारे दो होंठों के दरमियान है, दूसरा जो दो रानों के दरमियान है, अगर उसमें काबू कर लो तो मैं तुम्हारा जिम्मा और खुदा की दरगाह। यही बातें मनाने, यही है सीखना, सिर्फ दिन का मनाना, किसी महापुरुष की तालीम को पाना है, अमल में लाना। दिमाग तो शायद बन दिया हो, क्या फायदा, जब प्रैक्टिस में आएगा उसमें बरकत बनती है भाई,
तो इसलिए मैं ये कहा ब्रह्म जड़ का केवल नुकसानी ही ख्वाहिशों के रोकने का नाम नहीं याद रखा। इसका माने ब्रह्मचर्य का मतलब है कंडक्ट ऑफ लाइफ को ऐसा बनने या हर एक तरीके से आंखों का से भी ब्रह्मचर्य, जबान का भी ब्रह्मचर्य झूठ न बोले, समझे, कानों का भी किसी का बुरा ना चितवन करे, ना ख्याल करे, ना बुरा सुने, सब इंद्रियों को दमन करने का नाम सत्य मानव है ब्रह्मचर्य का दहन करना है। कहाँ ये आदर्श, कहाँ हम बैठे हैं, किस मुंह से हलवा खाना चाहते हैं, मैं बड़ी फ्रैंक बात कह रहा हूँ। तो उनके जीवन से दो ही चीजें हमारे सामने आई हैं, एक बड़ी भारी और तो वो तेरी चीजें। मैं सिर्फ एक बात कर रहा था कि उसके जीवन से फायदा उठाना, उनकी याद में बैठे। अगर आज हम ये कर दें, आपको पता है आजकल क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग जारी हो गई, मुझे दुनिया के हालात को देखकर कुछ कहना पड़ता। दुनिया में हर मिनट में 90 आदमी बढ़ रहे हैं हर मिनट में। आपको पता है जब हिंदुस्तान अलहदा हुआ था कितनी आबादी थी हमारी इंडिया की, अब कितनी हो गई है, 1.5 हो गई, और 20 साल में अभी खाने को नहीं मिलता, फिर से इंसान इंसान को खाए, दूसरों से हम मांग रहे हैं रोटी। फैमिली प्लानिंग से काम नहीं होगा भाई, ब्रह्मचर्य की रक्षा को धार। पुराने जमाने में 3 दर्जे थे ब्रह्मचर्य की रक्षा के, पहला सबसे लोएस्ट 24 साल 25 साल जो जंगलों में गुजारते थे लोग, ग्रस्त आश्रम आते थे, एक दो बाल बच्चे जंगलों की राह लेते बांध, और जो पा लेते थे हकीकत को वो संन्यास आश्रम धारण करते। बाहर जंगलों में तो कोई जगह नहीं रही भाई, मैं भी 6 महीने देखा है, यही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जीवन की जब तक पवित्रता नहीं बनेगी काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं अर्थ करता हूँ कि हजूर के जीवन से अगर कुछ सीखना, वो सत्संगी बनाने आए थे, ये चीजें दो बड़ी जबरदस्त हैं जो हमारे रस्ते में हायल हैं, डायरी का और कुछ मतलब नहीं, तो आए इसके लिए हमें पता हम कहा। तुम खाली जीवन को सोचा करा लो, तुम्हें दिव्यष्ट हो जाएगी, मेरा तजुर्बा, तुम जानोगे दीवार के पीछे को पुराने शहर में क्या होगा, जब पानी खड़ा हो तो रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, हर उसमें अगर रूहानी का रंग चढ़ जाए तो क्या सोचनी। तो प्योरिटी हार्ट, ये सबसे पहले प्योरिटी हार्ट किसको कहते हैं, आपको पता है किसको कहते हैं, महापुरुष ने इसकी तारीफ दी है, प्योरिटी हार्ट किसको कहते हैं, तुलसी साहब ने दिया, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल के हुजरे को साफ करे ताकि वो प्रीतम तुम्हारे अंतर में प्रकट हो। कहते वो क्या है, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठा, उसके सवा और कोई ख्याल नहीं, ये ऐसे भाई है। उसे अगर दुनिया आती है तो उसके लिए उसने मुश्किल हमेशा नमे गोए उनका दुनिया जुलाबाज बाहर काजे को बाकी माँ खुलाबा। आपको ये नहीं कहा जाता कि दुनिया से दूर होकर कहीं और जंगलों में चले जाओ, मगर सिर्फ मतलब ये है क्या उसको नहीं मिली, उसका शुक्रिया हर वक्त, हमेशा मैग्नेट की सुई नार्थ को रहे तो कोई बंधन नहीं देता, जो मुझको सब में देखता है सब में मुझको देखता है वो मेरा प्यारा। तो दो ही चीजें हैं, शुद्ध विहार, शुद्ध आहार, शुद्ध आचार, अंतर में अगर खाली टिकाव मिल जाए तो साइलेंस ऑफ द हार्ट में वो लाइट नाग का अनुभव, वेरी साइलेंस बिकॉज वो करो, क्योंकि हमारा जीवन गंदा माफ कर लो, इसलिए काम नहीं बन। तो उनके याद करने का मतलब, और सारे महापुरुष ने इस बात पर जोर दिया, आपको पता है रेवलेशन से आते डॉग्स एंड यंग के शैल वैनिश, कुत्ते और अंत के साथ दरगाह से निकाले जाए। कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमारे दिल में अगर हालता है तो बैठे हुए तख्त पर हजूर की मालिक की गोद में वो तुमको गिरा दिया जाएगा। अरे भाई सिख बनना भी बड़ा मुश्किल है, माफ करना, गुरु बनना तो कानों का, हम उसकी गति को भी नहीं जान सकते। तुलसी साहब ने कहा अगर कोई कहता है मैंने संत को चीना, तुलसी हाथ कान पर, अगर यही आज उनके जीवन से हम सीख रहे हैं।
जात है, मीठी जबान, खुश खुलकी, ख्याल की फिक्र और निम्रता, वेरी अपियरेंस, देवता जैसे बरसती है ना, जिन्होंने कभी नहीं देखा हजारों में देखे थे भाई बड़ा नेक इंसान मालूम होता, जिन्होंने कभी सुना नहीं, उनकी शक्ल ही ऐसी थी वैसा दूर से देखा लोग कायदा जाते, अरे जो नजदीक जाते और माफ करना उनको किन लोगों ने जाना जिनको उन्होंने जगाया। बाकी तो कई बार मिसाल दिया करते थे कि बछड़ा बाहर से आता है दूध पी जाता, माता ही बछड़े देकर दूध सारा छोड़ देते और चलती चल थनों पर रहकर दूध नहीं पीते, खून पीते। मोरी पुत्र सन्मुख होया किस रामदास से प्यारी पाया, हाँ था जीता तू तो भाई हजूर के जीवन से मैंने सिर्फ आपके सामने दो चीजें रखी, राज के दिन खाली दिमाग में न भरो अमल में ले आओ, इसी और पुष्ट दोनों मिलकर भाई थोड़े बच्चे हैं माफ करना, दो दो तीन तीन तो होंगे सबके, कहीं छह छह भी है, अरे उनको पालो। देखो मैं आपको अर्ज करूँ, रोने का मुकाम है हमारे बच्चे नास्तिक बन रहे, जो बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, रोज दिन बन रहे हैं, ये कब रुकेंगे, जब तुम्हारा जीवन बनेगा। हमारे उत्तरी जब हमारे उम्र के भाई हैं, हमारे भाई बहन पैदा होते थे, हम पूछे कहाँ कहाँ से आए हैं, कहते दाई दे गई है, कहते 100 रुपए पर खरीदा, हम मान लेते इतना जीवन पे था, हाँ ख्याल नहीं आता था बुलंद, अब बच्चे छोटे को बनो भाई 12-12 साल 13-13 साल के बच्चे जन रहे हैं और बताओ क्या बच्चों की क्या है, वो देखते हैं हमारा जीवन रोल, समझे हमारे फर्ज कम जनरेशन माइंड याद। अगर जिनमें भाई बहने यहाँ बैठे हो थोड़े बच्चे उनको पाल लो, वहां तो 25-36 साल का दूसरे दर्जे का ब्रह्मचर्य और 48 साल पहले दर्जे का ब्रह्मचर्य। जब लक्ष्मण को मैदान जंग में भेजा गया किस क्यों भेजा था, चौदह से आया था, 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य था, तो लक्ष्मण को दूर कर भेजा था। आप लोगों को एक कह सकता है सीने पर हाथ एक महीने का ब्रह्मचर्य कितने लोगों का, लोग ये समझी से खुराक है माफ पीछे चले जाए। जिन्होंने बैठना हो बैठ जाओ, चलना फिरना छोड़ दो, ये शरीर जो हम लिए फिर रहे हैं सेवा कब तक है, जब तक हम इसके साथ, जब हम इसे जुदा होंगे तो इसे कौन पूछेगा, सहेंद्री जी के साथी नाल जान साथी उठी चले आता तल खाकुराओ, जिसकी सहेली इस वक्त तक आबाद है जब तक हम इसके साथ हैं, और हम जब जुदा होंगे इसे कौन पूछेगा, आखिर एक दिन शरीर को छोड़ना। अब बड़े बड़े राजे महाराजे आए दुनिया में, बड़े बड़े वली अवतार भी आए, शरीर लिया और छोड़ गए, हमने भी छोड़ना। नो एस्केप फ्रॉम डेथ, मौत किसको कहते, शरीर के छोड़ने का नाम मौत है। महापुरुषों ने इसे कहा कि चोला बदलना, मौत कोई हुआ नहीं सिर्फ जिसम के चोले को उतारना, आखिर ये उतरेगा, अगर हम अभी उतारना सीख जाए तो मौत का खौफ ना। बात समझे, किसी समाज में रहो मौत अवश्य है, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, अगर इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीतेगी मरना सीखो, जीतेगी मरना सीखो, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू डे। महापुरुष जो शरीर को छोड़ते हैं
तो मौत का राज पहले दिन, तो महापुरुष पहले दिन हमें मौत का इलाज बतलाते हैं, बतलाते नहीं बल्कि दिखलाते, दिमाग तेज करते। इसे सब महापुरुषों ने कहा, जीते जी मरना चाहिए, जिसम को छोड़ना चाहिए, मौत का हुआ नहीं, नो बग बैर, मगर सबने छोड़ना है और हमने भी छोड़ना। छोटे का आपको पता तकलीफ बहुत होती है, और एक महापुरुष ने ज्ञान किया है, मुसलमान उसकी कहते हैं कि तकलीफ होती है रूह का जिसम छोड़ते वक्त, जितना की कांटे वाली झाड़ी पाखाने के रस्ते डालकर मुंह के रस्ते खेच दिया। अनुमान है यही बात भागवत में आता है कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है कितनी तकलीफ होती है, जितने के 1000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, दिन नवाणी करी है डंक को काम, तो लास्ट आने में हिदायत में है कोई काम करो डेथ, आखिरी दुश्मन जिस पर हमने पता पानी है वो मौत, मौत से स्केप कोई नहीं, तो बस यही इलाज छोड़ना सीख जाओ। अब हर समय का मतलब सिर्फ यही परमारत कहो कि अलग कब शुरू होती है, जब हम इनको छोड़ना सीख जाए, वे डिवाइन फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, जहाँ दिल्ली के फिर से खत्म हो जाते हैं वहाँ इसकी ABC शुरू होती है। बात समझे, भजन कहो अभ्यास कहो निहायत जरूरी है, इस काम में कोई तुम्हारी मदद अंत समय नहीं कर सकती, यार जीते जी तुम सीख जाओ मरना एक खेल बन जाएगा। जैसे सूर्य एक तरफ से जरूर हुआ दूसरी तरफ से निकल आया बाहर, पर किन के लिए, जो रोज मरते मरिए तो मर जाइए, टूट पड़े संसार नाल कैसी मरनी जो गले दिल में साओ स्वभाव, तो दिल में कई कई बार जब चाहो इनको छोड़ना सीखो, मौत को क्या हो, मरना कहते किसको है, कभी आपने मरते आदमी देखे, गौर से समझो मजबूर को, बैर तारे आदमी की बैर अभाव हो जाता है दुनिया, कोई आदमी खड़ा महसूस पता नहीं चलता कौन आया कर लिया, दुनिया पहले खत्म होती है, नीचे जिसम बेहिस होता चकट टूटते, कंठ बचता है आखिर आंखें चक्कर यहाँ आ जाती। तो मैं आज कह रहा था कि जीते जी मरना एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले महापुरुष आपको बतलाते, अभ्यास करने का मतलब जिसम को छोड़ना, ये वर्ल्ड क्लास स्टार्ट, जहाँ दुनिया के सिर से खत्म होते हैं वहाँ परमात्मा की ABC शुरू होती है। तो मतलब आपने आदमी देखी है पहले क्या होता है, पहले दुनिया वहाँ होती है बार कुछ ठीक हुई, फिर नीचे सब बेहस होने लगता है, चक्र टूटते हैं, कंठ में क्या आंखें उतर जाते, ये है सीट ऑफ द सोल बॉडी, जिसमें रूप ठिकाने यहाँ दो भरी मत पीछे, यहाँ मरकर सब शुरू आते हैं, सोते समय भी यहाँ आती भाव खाना, मगर उस वक्त ये कंठ में यह नीचे उतर जाती है, या सुपने देती है या ज्ञानी नींद में सो जाती, वहां पर कहते हैं कि यहाँ आकर नीचे नहीं जाओ ऊपर चलो। हजरत मोहम्मद साहब से पूछा गया क्यों भाई आप सोते हैं, कहते हैं कि मेरा जिसे सोता मैं नहीं सोता, यही फर्क है, महापुरुष होते हुए न जाते मगर सोचे नहीं तो जाते, हम सोकर नीचे हो जाते। तो यहाँ पर ये मौत का प्रोसेस है, सेंट प्लूटार्क ने कहा दोज हु आर इनिशिएटेड इनटू द मिस्ट्री ऑफ द बियॉन्ड दे सोल हैज द सेम एक्सपीरियंस ऑफ लीविंग द बॉडी एज इट हैज एट द टाइम ऑफ डेथ, जैसे मौत के समय रू बाहर फेंकती है नीचे ऐसा भेद का पीछे जाते हैं, ऐसे ही जिनको अभ्यास कहो, संतों का रस्ता कहो, दर्जातुल के फकीरों का कहो, वो वही प्रोसेस होता है। तो अभ्यास करने का मतलब आप सुन लो, जीते जी इनको छोड़ना, इसका नाम अभ्यास है।
आगे परमार्थ की अलविदा शुरू होगी। इस बात को समझो, मैंने अभी कहा था श्री की सेवा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं और हम इसमें कैद हैं। कैद करने वाले को जानना है, जब हम इससे उछड़ाएंगे वागी मौजूद है हमारी इंतजार कर रहा। बात को समझो, किसी आश जिनको नाम मिल चुका, अरे भाई जिनको नहीं मिला वो भी कोई बात न, बैठ के तो बैठे रहो।